صلى على محمد محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وخاتم النبيين ابي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وأجل برجه اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وفرقان الحميد وقوله الحق ولقد خلقنا الانسان من سلاله من تين صدق الله الالي الأزيم اللهم صل على محمد وعلي محمد وعجل فرجهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته शुरू करते हैं आलम के नाम से जो रहमान रहीम है जो कायनत का खालिक व मालिक है और जिसने अपने बंदों को बेहतरीन शक्ल सूरत दी बेहतरीन जहन बेहतरीन मेमरी बेहतरीन इंटेलिजेंस और मारफत के साथ अल्लाह ने हमको दुनिया में भेजा और ये मेमोरी का होना इंटेलिजेंस का होना ये सब कुछ या सेहत का होना सबसे बड़ी नमतों में से एक नमत यह भी कि इंसान सेहतमंद हो तो ये सारी नेमतें जब हम अपने आप को देखते हैं जब हम अपनी बॉडी को अपने बॉडी पार्ट्स को देखते हैं और उसके ऊपर गौरव फिक्र करते हैं तो वाकई में दिल कह उठता है कि परवरदगार तो कितना अजीम है तो कितना आला है तो कितना बेहतरीन खल करने वाला है और खुद अल्लाह सुबहान व ताली कला पाक में इर्शाद फरमाता है आ, हमने देखा आ, हमने देखा सूर मोमिन सूर मोमिन की आयत नंबर एटी फाइव में बिसमान रहीम लजी खल अकुम मिनतरा अल्लाह खुद फरमाता है सूर मोमिन में कि मैंने इंसान को बनाया मैंने इंसान को खल किया मिट्टी से आयत इनकम्प्लीट मैंने बयान की कम्प्लीट आयत अगर आप देखें आयत नंबर सिक्सटी सेवन अगर आप पूरी आयत देखें कि अल्लाह ने एक पूरा प्रोसेस बताया है कि मैंने इंसान को तुराब से बनाया फिर वो नुतफा बना वो जमा हुआ ख़ून बना फिर वो तिफ्ल बना यानी वो एक, एक स्टेप्स जो स्टेजेस है एम्ब्रियो के वो सारे अल्लाह सुबहान वाली ने क़ुरान मजीद में बयान किया है और जिसकी एक मैंने अभी आपको रेफ़रेंस दिया सूर मोमिन की आयत नंबर सिक्सटी सेवन कि अल्लाह ने वो सारे एम्बरीओ के स्टेज़ बयान किए कि कैसे एक बच्चा फॉर्म होता है शिकम मदर में मगर जो आगाज़ जो बेस है वो क्या है तुरा मिट्टी तो अल्लाह क्या कहता है मैंने मिट्टी से इंसान को खल किया और बाद में फिर वो जमे हुए खून का नुतफा बना और फिर वो इंसान बनता चला गया वो बच्चा हुआ वो रहमे मादर में मुंतकिल हुआ ये ये सब हो रहा है मगर आगाज़ किससे मिट्टी से तोराब से अब यहीं पर हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि अल्लाह ने मलाइका को हुक्म दिया कि वो जमीन से कुर्र अर्ज से रुए ज़मीन से अर्ज़ से खाक लेकर आए और जब मलाइका वो खाक लेकर आए या वो कोई एक मलक या जनाब इसराइल जब वो खाक लेकर आए जब वो मिट्टी लेकर आए तो अल्लाह ने उस मिट्टी को मिक्सअप कर दिया और मिक्स करने के बाद उसको बनाने का शुरुआत किया इंसान बनाने का या जनाब आदम बनाने का अल्लाह ने आगाज़ किया एक रिवायत में है ने कुरान आई ताहरीन से नकल करते के सूरे अनाम सूर्य अनाम की आयत नंबर नाइन्टी फाइव की तशरी करते हुए बयान करते हब्बे वन्नवा फरमाया कि अल्लाह ही वो है अल्लाह ही वो है कि जो मिट्टी अल्लाह ही वो है जो ग्रेन्स और स्टोन्स दोनों से कोई जानदार को पैदा करता है अल्लाह ग्रेन्स को भी शगाफ्ता करता है स्टोन्स को भी करता है। या हम सीड्स देखे सीड्स आर लाइक स्टोन तो वो सीड्स भी शगाफ होते हैं और उससे एक पूरा फ्रूट ट्री बन जाता है और ग्रेन्स भी शगाफ होते यहाँ पर इसके मुख्तलिफ मतलब में से एक तस, तफसीर यहाँ इस तरह भी मिलती है कि जब मलक मिट्टी लेकर आए और वो मिट्टी किस तरह से थी एक राइट हैंड में थी और थोड़ी सी लेफ्ट हैंड में थी तो जब ये राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वाली मिट्टी जमा हुई तो जब अल्लाह ने देखा तो अल्लाह ने कहा कि मैं जो राइट हैंड से जो खाक है जो तुम्हारे राइट हैंड में जो खाक है इससे मोमिन बनेंगे और जो लेफ्ट हैंड में है उससे मुशरकिन और अल्लाह के नाफरमान डिसबीडियट बंदे बनेंगे ना इसको हम इस तरह नहीं ले सकते मिसअंडरस्टैंड ना करें कि अल्लाह ने वैसे बनाया नहीं अल्लाह ने फिर दोनों खाक को मिला दिया यानी दोनों जरात को मिला दिया सिर्फ बताया था कि ये पार्ट से जो बनेगा वो नेक होगा ये पार्ट से जो बनेगा वो नाफरमान होगा मगर फिर उन दोनों मिट्टियों को खुदा आलम ने मिक्सअप कर दिया और जब अल्लाह ने इसको मिक्सअप कर दिया तब तो यहाँ पर फरमाते हब से मुराद यहाँ पर हब यानी मुराद मोमिन लिया गया और नवा से मुराद मुशरकिन की खिलकत की तरफ इशारा किया गया तुम खुदा आलम ने फरमाया कि मैंने इंसान को मिट्टी से बनाया और फिर जब हमने नहजुल बलागा को ओपन किया तो खुतबा नंबर वन सर नंबर वन में कायनात अमीरुल कायन हजरत अली इब अबी सलाम फरमाते मौला फरमाते कि अल्लाह ने जब मिट्टी को जमा करवाया और जब ये सारी मिट्टी को खुदा ने मिक्स कर दिया तो उसमें मुख्तलफ़ रंग की मिट्टियाँ थी मुख्तलिफ़ कलर्स थे और मुख्तलिफ उसका कंसिस्टेंसी थी आ, और वी कैन से कि उसका जो कंपोजिशन था जो मिट्टी के ज़रात यानी शायद आज का इंसान या जो जोग्रफ़ी जो 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 पे या अर्थ पे स्टडी करता है वो समझ पाए कि जो मिट्टी के ज़रात होते जो कंपोनेंट्स होते हैं या उसके अंदर जो बारिकियाँ होती है जो सिर्फ एक जियोलॉजिस्ट समझ सकता है कि कौन सी मिट्टी में आयन ज़्यादा है कौन सी मिट्टी में कौन सा मिनरल है कौन सी मिट्टी के अंदर अल्लाह ने क्या रखा है कहीं पे कॉपर है कहीं पे कुछ है तो ये डिफरेंट डिफरेंट जो मिट्टियाँ थी जिसको मौला सलाम इस तरह भी बयान करते कुछ मीठी मिट्टी थी कुछ नमकीन थी कुछ नरम थी कुछ सख्त थी ये ये सारी मिट्टियों को अल्लाह ने मिक्स कर दिया जब अल्लाह ने ये सारी मिट्टियों को मिक्स कर दिया अक्के एक इमेज बनाना था एक सूरत बनानी थी तो खुदा आलम ने उसको खुदा आलम ने उसको पानी से मिक्स किया और कि, किस तरह पानी में मिक्स किया कि सबसे पहले मौला कायन कहते कि उस मिट्टी को उस तीनत को उस क्ले को खुदा ने पानी में इतना ड्रिप करके रखा इतना ज्यादा उसको आ, उसको उस पानी से मिक्स किया या उस पानी से वॉश किया कि वो पूरी मिट्टी जो थी वो खालिस हो गई यानी देखिए हम भी कोई अच्छी चीज लाते हैं और हम कुछ अच्छा काम करना चाहते तो धो भी नो कि ये पाक है ये अच्छा है बट स्टिल एक मतलब हम उसको क्लीन कर देते उसके ऊपर हम कोई चांस नहीं लेते अल्लाह ने भी उस मिट्टी को क्लीन किया उसको खालिश किया उसको प्योर किया विद द हेल्प ऑफ वाटर लफ्ज़ हेल्प शायद गलत है मगर खुदा ने अब जैसे बलागा में के अल्लाह ने मिट्टी ली मिट्टी को पानी से खालिस कर दिया जब ये खालिस होता चला गया उसके बाद अल्लाह ने उसमें मॉइस्चर डाला थोड़ा और पानी डाला थोड़ा और फ्लूड डाला थोड़ा उसको स्टिकी बनाया एंड अल्लाह स्टार्टेड नीडिंग द डो अब यहां पे कि अल्लाह ने आटा गूंदा अल्लाह ने नीट किया अल्लाह तो हाथ नहीं रखता है ना ये हमारा अल्लाह तो हाथ नहीं रखता बट अल्लाह ने नीट कैसे किया अल्लाह ने वो आटा कैसे गूंधना शुरू किया तो बाज मौरखिन और मुफसरीन ने कुरान कहते खुदांद आलम ने वहां पर फरिश्तों से कहा था कि काम अल्लाह का है ऑर्डर अल्लाह दे रहा है जब हम कहते अल्लाह ने किया दैट मीनस अल्लाह ने किया मगर अल्लाह ने करवाया हुक्म खुदा का था मगर करवाया अल्लाह ने फरिश्तों के फरिश्तों से कि तुम ये काम करो एंड आई एम सुपरवाइजिंग, तो फरिश्तों ने उस आटे को गूंदा या मुफसरीन कहते कि जब खुदा कहता है कि मैंने किया इसका मतलब है कि अल्लाह चाहे हाथ ना रखता हो जिस्म जस्मानियत का मोहताज ना रखता हो मगर इसके बावजूद कोई शख्सियत ऐसी थी जो फरिश्तों की खिलकत के पहले भी मौजूद थी इंसानों की खिलकत के पहले भी मौजूद थी और जिसको खुदा ने यदुल्ला का ख़िताब दिया था और ये यदुल्ला था कि जिनके हाथों से यानि अमीर अमौमिन ही के हाथों से शायद खुदा वंद आलम ने जनाब आदम का पुतला बनाया अब जनाब आदम फॉर्म होते चले गए और अल्लाह ने उसमें उसको ग्लूई बनाया उसको स्टिकी बनाया उसमें पानी ऐड कर रहा था खुदा और पानी भी कैसे यहाँ पर फिर मासूमीन कहते आ, इमाम जाफर सदक़् से भी रिवायत है और इमाम मोहम्मद तकी सलाम से भी है कि जब आ, जब इमाम से सवाल होते थे जब इमाम से पूछा जाता था कि अल्लाह ने कैसे इंसान बनाया तो अम ताहरीन जो आंसर्स दे रहे हैं और ख़ुद बलागा में भी कि अब जो खुदा पानी ऐड कर रहा है ना तो ये पानी भी चार तरह का है उसमें खुदा ने स्वीट वाटर का यूज़ किया है अल्लाह ने सावर वाटर का यूज़ किया है अल्लाह ने बिटर वाटर को यूज़ किया है तो पानी भी मुख्तलफ मुख्तलफ थे मासूम इमाम फरमाते तकरीबन ये पाँचवें माम छठे इमाम से ये रवायत है कि इमाम ने फरमाया अल्लाह ने जब पानी ऐड किया तो वो जो स्वीट पार्ट, जो स्वीट वाटर था जो मीठा शीरी पानी था ये पानी जब वो जो इमेज बन रहा था ये अल्लाह ने थ्रोट के लिए इस्तेमाल किया इंसान जब खाना खाता है जब टेस्ट करता है तो जिस तरह से खाना यानी इंसान को ज़रूरत होती है टेस्ट की तो अल्लाह ने खल अल्लाह ने जब इंसान को खल किया और उसके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी की ज़रूरतों के एतबार से खल किया तो इंसान के थ्रोट के लिए खुदांद आलम ने मीठे पानी का इस्तेमाल किया आँखों के लिए अल्लाह ने नमकीन पानी को लिया और यर्स के लिए कानों के लिए खुदा आलम ने बिटर वाटर को कड़वा पानी इस्तेमाल किया और जो थोड़ा सा गंदा सा पानी था यानी लफ्ज गंदा हम इस्तेमाल करें मगर जो थोड़ा सा यानी अच्छा पानी नहीं था क्लीन वाटर नहीं था उस पानी से खुदा आलम ने नाक की तरफ उसको रवाना किया तो मिट्टी भी मुख्तलिफ़ टाइप्स की थी डिफरेंट टाइप्स की और डिफरेंट कलर्स की है और उसमें पानी भी डिफरेंट डिफरेंट कलर्स का है और जब ये मख्तलिफ़ रंग का पानी जमा होता गया मुख्तलिफ़ का पानी जमा हुआ फिर अल्लाह जो अनासर उसमें डाल रहा है क्योंकि अब पूरा एक इंसान बना रहा है तो डिफरेंट ख्वाहिशात हो उसके अंदर डिज़ायर्स हो उसके अंदर इबादत का जज्बा हो यानी ये, ये जो सारी जिसको हम कहते हैं टेम्पराेंट ऑफ ह्यूमन बींग टेम्परामेंट्स यानी टेम्परामेंट से अब हम देखते हैं ना कभी कभी कोई इंसान ऐसा होता है जिसको बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं उनको जल्दी से ठंडी लगती है गर्मी नहीं लगती है उनको कोई इवन समर में भी उनको लगता है कि नहीं मुझे कुछ तो कवर करना है मेरी बॉडी या कुछ ऐसे होते जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते और कुछ ऐसे होते जिनको गुस्सा ही नहीं आता बहुत ही शांत किस्म के होते तो ये जो डिफरेंट माइंड है डिफरेंट टेम्परामेंट है या कभी कभी हम देखते हैं कि कोई इंसान ऐसा होता है जो साल भर उसको सर्दी होती है या साल भर वो एलर्जिक होता है या उसके अंदर कफ ज्यादा होता है कुछ ऐसे इंसान होते हैं जिनको ब्लड इंफेक्शन ज्यादा हो जाता है और किसी को नो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये भी कहीं ना कहीं हमारे खिलकत की तरफ यानी अगर आप इसको तिब्बे मासूमिन में देखें या किसी और पैथी में देखें आयुर्वेदा है या किसी और मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट से अगर आप इसको कनेक्ट करते चले जाएं कि जब इंसान को जब डॉक्टर ट्रीट करता है तो उसका टेम्परामेंट देखता है उसके उसके अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा है कभी आपने सुना होगा इसके अंदर पिता ज्यादा है या पित्त का प्रॉब्लम है कभी हम कहते हैं कि इसको बाइल इसकी बॉडी में ज्यादा हो गया है तो ये जो मुख्तलिफ चीजें हैं ये खिलकत के वक्त अल्लाह जो जो चीजें जो जिससे इंसान को जो डिफरेंट अनासर से अल्लाह इंसान को खल कर रहा है यानी हमने मिट्टी देखी हमने पानी देखा अब अल्लाह क्या क्या बहुत कुछ ऐड करता जा रहा है और इसमें एक चीज ये भी है कि खुदा ने चारों तरफ के जो विंड है जो मलाइका है ऑल द फोर डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में जो मलाइका है अल्लाह उनको हुक्म देता है कि अपने डायरेक्शन से विंड लेकर आओ क्योंकि अब सिर्फ पानी और खाक नहीं मुझे इसमें हवा भी ऐड करनी है तो अल्लाह जब विंड मंगवाता है और ये चारों डायरेक्शन की विंड है अब इसको और ज्यादा अगर हम डीप में देखें कि ये विंड्स यानी कभी हम कहते हैं ना कि कोई इलाका ऐसा होता है जहाँ के लोगों का ये पर्सनैलिटी और कुछ इलाके ऐसे होते जहाँ पे लोगों की ये ये टाइप और उनकी ये मैंटेलिटी है तो ये भी कहीं ना कहीं उसके अनासर पे डिपेंड करता है उसकी खिलकत पे डिपेंड करता है अब अल्लाह ये चारों डायरेक्शन से विंड्स मंगवाता है और यहाँ पे जो मुख्तलिफ विंड्स आ रही है ईस्ट वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ साउथ से इसमें से कुछ सौदा यानि सौदा और कुछ यहाँ पे आ, कफ ये ये सारी चीज़ें बदन में आ रही है यानी जिसको हम कहते हैं कि उसके अंदर बाइल क्रिएट हो रहा है उसके अंदर ब्लड क्रिएट हो रहा है उसके अंदर कफ का कंपोनेंट है या उसके अंदर थोड़ा जुनून है ये सारी चीजें जब जमा होती जा रही है और धीरे धीरे इंसान बनता जा रहा है और जब ये मूरत बनती जा रही थी मौला लेले सलाम कह रहे कि अल्लाह ने उसको स्टिकी बनाया स्टिकी बनाया क्योंकि अल्लाह को एक फ्लेक्सिबल इंसान बनाना था अल्लाह को एक ऐसा इंसान बनाना था जो बैंड हो सके जो झुक सके जो अपने हैंड्स को मूवमेंट दे सके तो खुदा आलम किस तरह से इंसान को यानी कितनी बारीकी से इंसान को बना रहा है हम भी सोचें ना कि अगर कभी अगर अल्लाह ने हमारा हाथ बना दिया होता और पूरी एक स्ट्रेट बोन होती और उसमें अगर एल्बो जॉइंट ना होता तो हम कैसे काम करते या अगर थम्प डिफरेंट ना होता या अगर हमारी बैकबोन जो है अगर हमारा ये वोटिबल कॉलम अगर ये खुदा वंदे आलम ने जब बनाया अगर ये ये इसके अंदर उस तरह से अल्लाह ने प्लेस ना किया होता बोन बोन्स को प्लेसमेंट ना दी होती कि जिसकी वजह से हम झुक सके तो इंसान का जीना कितना मुश्किल हो जाता तो मौलाम फरमाते कि अल्लाह ये सारी चीजों को अपने अपने नज़र में रखते हुए खुदा वंद आलम ने इंसान को बनाना शुरू कर दिया और एक इमेज फॉर्म होती चली गई बस इनशा हम जनाब आदम की मुकम्मल खिलकत को और इसके बाद क्या हुआ जनाब आदम का और किस तरह से रू डाली गई इन बातों के ऊपर अल्लाह ने तोफी दी तो डिस्कस करेंगे इनशा फिर मुलाकात करेंगे व आखिर अनिलहमद रबालमिन मोहम्मद वाल मोहम्मद व अच्छे परजह